हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। मैं मनोज आप सबको स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल जीपीएस मास्टर मनोज में। आज हम जावा में जीपीएस इंस्टॉल करेंगे जो कि बोस्ट्रैक का जीपीएस है। इसमें हम रिले इंस्टॉल करेंगे जो मोबाइल से इंजन कटअप करता है। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उसके बगल में जो बेल आइकन है प्लीज़ एक बार दबा दीजिए। चलिए दोस्तों फुल प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। जीपीएस इंस्टॉल करने के लिए इसको देखिए, उसका सीट को खोलना पड़ेगा, उसको सीट खोलना पड़ेगा, फिर इसको टैंकी को निकालना पड़ेगा। उसके बाद इसका चाबी का कपलर दिखेगा। देखिए उसका चाबी का सिस्टम यहीं पर है, तो उसको पूरा टैंकी और सीट दोनों को रिमूव करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों को रिमूव करते हैं, उसके बाद इसको इंस्टॉल करते हैं। ये सीट को निकालने के लिए यहाँ पर दो स्क्रू देता है, एक इस तरफ है और देखिए दूसरा इस तरफ है। ये दोनों स्क्रू को निकालने से ये आराम से निकल जाएगा। देखिए सीट अभी रिमूव हो चुका है। चलिए इसको टैंकी को निकालते हैं। देखिए तो उसको उसका टैंकी का नट जो है वो खोल चुका है। अभी इसको निकालेंगे, टैंकी को थोड़ा सा निकालेंगे तो हो जाएगा। इसको टैंकी को थोड़ा नीचे से खींचने से देखिए ये टैंकी ऐसे निकल जाता है, यहाँ रबर से निकल जाता है। कौन सा करंट है मेन का, कौन सा करंट है आपको चेक करके दिखाते हैं। देखिए अभी चेक कर रहे हैं, अभी रेड और प्रॉपर दो भी कलर है, उसमें रेड कलर का वायर में हम ये चेक कर रहे हैं, वो 12 वोल्ट का करंट दिखा रहा है। देखिए ये मेन करंट है जो 12 वोल्ट का करंट है। चलिए अभी इग्निशन का तो पता चल चुका है, इग्निशन वो पर्पल कलर का कनेक्शन है। चलिए दोस्तों ये कपलर में देखिए यहाँ पर दो कनेक्शन है, एक रेड और ब्लू का कम्बिनेशन का है और एक पर्पल कलर का है। तो देखिए ये जो रेड और ब्लू का कनेक्शन है वो मेन कनेक्शन है, ये जो पर्पल कलर का है वो इग्निशन का है। तो सेम ही इसमें डायग्राम में ये आता है, ये मेन कनेक्शन है, ये मेन का कनेक्शन व्हाइट वाला है और ये ब्राउन का जो है वो इग्निशन। तो जगह यहाँ पर बहुत ही कम है, हम इससे एक वायर लेते हैं जो थिक केबल का है, इसी में ही यहाँ से लेके हम सीट के नीचे उसको रखेंगे। सीट के नीचे मेन का कनेक्शन है। अब ये जो केबल वायर लिए थे ये मेन कनेक्शन में हम एक लूप कर चुके हैं, बाकी ये जो इग्निशन का कनेक्शन यहाँ से निकाले थे एक, देखिए ऐसे हॉर्न क्लिप लगा के इसको कनेक्शन दे चुके हैं। और जो दूसरा ये कनेक्शन है, अब ये जो कनेक्शन है ये दोनों का जो कनेक्शन है उसको टैग कर रहे हैं। इसमें किसी प्रकार का वायर कटिंग नहीं हो रहा है, उसी कपलर में हम कनेक्शन को दे रहे हैं। देखिए इसका कनेक्शन बराबर हो चुका है, यहाँ से उसको टेपिंग भी कर चुके हैं। अब ये कनेक्शन को सीट के नीचे लेंगे, सीट के नीचे ही इसको कनेक्शन। देखिए जो वायर है उसका हम देखिए ये टैंकी के नीचे से लेके जा रहे हैं, ये फर्दर इंजन में नहीं लगेगा। दोस्तों ये जीपीएस का कनेक्टर है, इसमें 4 वायर देता है। देखिए एक रेड कलर का है, ऑरेंज का है, येलो और ब्लैक का है। चलिए अभी इसका कनेक्शन दे रहे हैं। देखिए ये जो कनेक्शन है, अभी रिले का व्हाइट कलर और यहाँ से हमने जो 12 वोल्ट का करंट लाए थे, मेन करंट जो रेड कलर का है वायर है वो, और जीपीएस का जो रेड कलर है, ये तीनों का अच्छे से टैग कर चुके हैं। इसको टैपिंग कीजिए। अभी रिले का जो ग्रीन कलर का वायर है और वहां से हमने जो इग्निशन का कनेक्शन लाए थे, दो कनेक्शन लाए थे वो, और एक जो देखिए जीपीएस का जो ऑरेंज कलर का वायर है वो, ये दोनों से जिस एक में भी दे दीजिए, हम इसमें देख कर टैग कर रहे हैं। ये उसको टैपिंग भी कर चुके हैं। रिले का जो दूसरा ग्रीन कलर का था वायर और ये जो केबल वायर का जो ब्लैक कलर का था, ये दोनों को अच्छे से टैग कर चुके हैं। अभी इसको टैपिंग करेंगे। रिले का जो येलो कलर का कनेक्शन है और जीपीएस का जो कनेक्टर का येलो का कनेक्शन है, ये दोनों को अच्छे से टैग कर चुके हैं, वो टैपिंग कर रहे हैं। अभी जो भी कनेक्शन था बराबर हो चुका है। वैसे अभी देखिए ये ब्लैक कलर का कनेक्शन ये बाकी है, ये अर्थिंग का है, ग्राउंड का कनेक्शन है। चलिए गाड़ी में ग्राउंड जहाँ पे अच्छे से आता है वहीं पर इसको ग्राउंड को देखें। देखिए यहाँ पर हमने इसको अर्थिंग को यहाँ से अच्छे से टैग कर चुके हैं। देखिए यहाँ पर प्रॉपर अर्थिंग आ रहा है। अभी जीपीएस का जो भी कनेक्शन था अभी बराबर हो चुका है। देखिए रिले फिटिंग हो चुका है। अभी यहाँ पर जीपीएस में देखिए 3 लाइट आ चुका है। अभी देखिए ये मेन करंट का ब्लिंक कर रहा है, बीच में सिम का है और साइड में सैटेलाइट का है, ये तीनों का कनेक्शन ब्लिंक कर रहा है, मतलब ये कनेक्शन ठीक है। अभी इसमें एयरटेल का सिम डाला हुआ है,
अभी देखिए, अभी इसको ऑन करेंगे स्विच को। अभी स्विच ऑन हो चुका है, अभी जीपीएस को एक्टिव करेंगे फिर इसको इंस्टॉल करेंगे। चलिए दोस्तों उसको एक्टिव करते हैं, उसके बाद जीपीएस एक्टिव हो चुका है। अभी इसका जो रिले है यहाँ पर हम अच्छे से टैग करके रख चुके हैं, ये जीपीएस को भी यहाँ पर अच्छे से टैग करके रख देंगे। अभी दोस्तों ये कनेक्शन बराबर हो चुका है, अभी फिर से दोबारा दूसरे वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।